हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सब सुमित सामनिकर फ्रॉम पिरामिड मैथ्स एकेडमी। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, जेई मेन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जैसे आपको पता है कि जेई मेन 2020 जो है सेकेंड फेज का, वो सिर्फ एक महीने पे आ चुका है। तो 30 डेज में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ सके और जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेई मेन्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है जेई मेन का पैटर्न। तो जैसे आप लोगों को पता है, जेई मेन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है इस साल, जिसमें आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 20-20-20 क्वेश्चन जो है वो MCQ पैटर्न के हैं, और 5-5-5 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे और जिसको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसको निगेटिव मार्किंग रहेगी आपके लिए, और जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसको निगेटिव मार्किंग नहीं कंसिडर होगी। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया इस एक महीने में, देन यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो पैटर्न को अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं होते इसलिए इसको गेस भी नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है और इस उस हिसाब से इसको आगे लेके जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है एग्जाम में, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपके पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में, वो रहेगा सिलेबस। सिलेबस आप लोगों को पता है, आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, एक महीना बाकी है पढ़ाई के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो आपको पता है कि सिलेबस थरली किस तरीके से पढ़ा जाता है। अभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं सिलेबस के पॉइंट पे आता हूँ। सिलेबस आपको जैसे पता है कि NCERT पैटर्न का सिलेबस रहेगा। NCERT पैटर्न में आपको पता है कि टॉपिक्स के नाम कौन कौन से है और किस टॉपिक का लेवल क्या है, ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो अब एक महीने में आपको सबसे पहले इजी टॉपिक को जल्द से जल्द फिनिश करना है, उसके बाद आपको मॉडरेट टॉपिक पे जाना है, और डिफिकल्ट टॉपिक जो रहेंगे उसको आप अंत तक पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, ताकि आपकी ये जो दो पार्ट है इससे आप मैक्सिमम स्टडी करके कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल के स्टडी के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन इस एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप लोगों को कवर करना है, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वैसे भी हम लोगों को ज़्यादा टाइम स्पैन मिला है इस लॉकडाउन की वजह से, तो जिसमें आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई की होगी, तो इसको सिर्फ आपको अब रिवाइज करना है इस सिलेबस को। और उसमें एक बात याद रखनी है कि इसको जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी रिवीजन कम्प्लीटली होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सिलेबस वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पता है, और कुछ अच्छे बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, जिसका नेक्स्ट पॉइंट है मैं जिस पे आ रहा हूँ, बुक्स टू स्टडी। नाउ बुक्स आप किसी भी अच्छे ऑथर्स के पढ़ सकते हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक्स पता है। सिर्फ आपको एक बात करनी है अभी, कि जिस बुक में अच्छे सिनॉप्सिस गिवन हो, मतलब पॉइंट्स गिवन हो, फॉर्मूले गिवन हो, कुछ शॉर्टकट्स गिवन हो, उन बुक्स को अभी पढ़ना है, क्योंकि एक महीने में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर हम शॉर्ट में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमको टाइम ज़्यादा मिलेगा आगे का पढ़ाई करने के लिए। तो इसलिए ऐसे बुक्स हम लोगों को सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको सिनॉप्सिस अच्छा गिवन हो, और आपको थरली रिवाइज करना है सारे पार्ट, सो दैट आप जल्दी जल्दी पूरा पार्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। तो वो बुक्स टू स्टडी में आपको ये पार्ट पता चल गया है कि बुक्स यहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। एक महीने की स्टडी में आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की लेके उसको स्टडी कर सकते हो। सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिनॉप्सिस जो है वो अच्छे होने चाहिए बुक्स में। और एक बात, ऐसे बुक्स पढ़ो जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है आप वैरायटी अगर सॉल्व करोगे MCQ की, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है एक्चुअल एग्जाम में। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से बुक्स स्टडी करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम टेबल, तो प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम टेबल से आप जब स्टडी करोगे तो आपको एक प्लानिंग मिलेगा कि किस तरीके से है। मेरे ख्याल से आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट का स्टडी डिवाइड करना चाहिए डेली के टाइम टेबल में, और फिर इसको आगे लेके जाना पड़ेगा।
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा कि फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट, मैथ्स का पार्ट, इसको इक्वली स्टडी करके उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद एक पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्पेशली ऑनलाइन अगर सॉल्व किया तो अच्छी बात है, ऑनलाइन पेपर मॉक टेस्ट के रूप में अगर आपने दे दिया, तो इस तरीके से अगर आपका पूरा जो डे है उसको अगर आपने डिवाइड किया तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसको करना है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा जो दिन है उसको टेम्पररी बेसिस पे उसको डिवाइड करना है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से और उसको फिर आगे लेके जाना है। तो आइडियली आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, सो दैट इज़ अराउंड 3, 9 आवर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो 9 आवर्स वो हो गए, उसके बाद 2 घंटे स्टडी रहेगी जेई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उस पर भी मैं आने वाला हूँ, वो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैरायटी समझ में आएगी। और उसके बाद 3 घंटे अगर आपने एक पेपर सॉल्व किया डेली मॉक टेस्ट फॉर JEE मेंस तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये जो 14 आवर्स का टाइम टेबल है वो अगर आपने पूरा बना लिया पहले ही और उसको 1 महीना सीरियसली फॉलो किया, यू विल गेट द रिजल्ट्स डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जैसे आपको पता है JEE मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें आप प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन देख सकते हो, उसको आपको एक बात पता चलेगी कि पैटर्न क्या होता है। और काफ़ी बार ऐसे होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हमने ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो हमको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब हम एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है। और दूसरी चीज़, हमको पैटर्न समझ में आता है कि JEE मेंस किस डिफिकल्टी लेवल पे पेपर को वहाँ पे सेट करती है। तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स है ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पे भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, कुछ बुक्स भी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो अगर आप उसको सॉल्व करते रहेंगे 2 घंटे डेली तो आपको 1 महीने में काफ़ी सारे आप पेपर्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वो सॉल्व करने के बाद आपका एक जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आपने इस महीने में, 1 महीने में 30 दिन में टोटल एक एक मॉक टेस्ट अगर हर रोज दिया तो आपके 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और अगर आपको ज़्यादा टाइम मिला तो आप ज़्यादा भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मॉक टेस्ट देने से होगा क्या कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। देखो, इस एग्ज़ाम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। और तीसरा, मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी, जो मेंटली स्टेबल रहेगा एग्जाम के वक्त तो ही वो अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाय यूजिंग मॉक टेस्ट। तो जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करनी है सो दैट वो अच्छे स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मॉक टेस्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारा जो ऐप है पिरामिड मैथ्स एकेडमी का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मॉक टेस्ट गिवन है सेक्शन वाइज एंड कुछ फुल लेंथ के टेस्ट भी है। तो यू कैन गिव द मॉक टेस्ट बाय डाउनलोडिंग द ऐप और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं JEE में। तो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के मैंने 5-6 पॉइंट बताए आज, उसको अच्छे से देख लो। वीडियो को बार बार रिपीट पॉज करके देख सकते हो आप और आगे जा सकते हो। बार बार देखो और पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से JEE में इनको प्रिपेयर करना है 1 महीने में। इस 1 महीने में अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आपका अच्छा एक स्कोर आ सकता है JEE में, और फिर आप आगे JEE एडवांस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल पिरामिड मैथ्स एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हम लोग आपको कुछ नोटिफिकेशन उसके भेज सके, ताकि आप अगले वीडियो भी उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर JEE मेंस एग्जाम। थैंक यू।